ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूएई विश्व बाजार में एक अपनी अलग पहचान बना चुका है। दुनिया की बड़ी सी बड़ी कंपनियां यूएई में इन्वेस्ट करने का मौका तलाशती हैं। पिछले कुछ दशकों में विश्व मंच पर उद्योग के क्षेत्र में यूएई ने जो कामयाबी हासिल की है वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विकास की दिशा में यूएई ने ये मुकाम कैसे हासिल की है? अगर नहीं सोचा तो चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल यूएई के विकास में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, यह हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद यूएई के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन दुबई एक्सपो 2020 के मद्देनजर एक हफ्ते के लिए यूएई में गए हुए हैं और यूएई के विकास में केरल के लोगों के योगदान को ध्यान में रखते हुए यूएई के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने केरल की जमकर तारीफ की है। बता दें कि केरल से बड़ी तादाद में लोग यूएई काम करने के लिए जाते हैं। इसी कड़ी में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने बुधवार को दुबई एक्सपो 2020 में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का स्वागत किया। मुख्यमंत्री दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन में आयोजित केरल वीक के उद्घाटन में भी मौजूद रहे। वहीं पिनरई ने केरल के विकास में यूएई के योगदान के लिए भी अल मक्तूम को धन्यवाद दिया। उन्होंने शेख से केरल में अधिक निवेश करने का भी आग्रह किया। वहीं यूएई के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने भी मुख्यमंत्री के जरिए यूएई में रह रहे केरल के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यूएई को भारत खासकर केरल के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों पर गर्व है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत दोनों ही देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों में सतत विकास को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा रखते हैं। आगे अल मक्तूम ने एक ट्वीट करके लिखा, यूएई का केरल के साथ एक विशेष संबंध है और दुबई और यूएई की प्रगति में केरलवासी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके इस ट्वीट के जवाब में मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया और लिखा, मैं आपके और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। संयुक्त अरब अमीरात और दुबई के विकास में केरल के लोगों के योगदान के लिए हमारी सराहना के लिए आपका धन्यवाद। हम आपके आतिथ्य और गर्मजोशी से भाव विभोर हैं और आपसी रिश्ते को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। जाते जाते आपको बताते चलें कि औद्योगिक और व्यापार क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए अबुधाबी चैम्बर से एक उच्च स्तरीय टीम जल्द ही केरल का दौरा करेगी। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और अबुधाबी चैम्बर के अध्यक्ष अब्दुल मोहम्मद अल माजूरी के बीच चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि यूएई के विकास में भारत के लोगों का कितना अहम योगदान है। अगर आज यूएई विकास की राह में नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो इसमें भारत के लोगों की हिस्सेदारी भी काफी अहम है और ये बात खुद यूएई के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।